नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। 18 जनवरी 2023, ये दिन क्रिकेट फैंस को हमेशा याद रहेगा क्योंकि शुभमन गिल सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं दुनिया के, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया, वो भी कीवी गेंदबाजों के खिलाफ। न्यूजीलैंड की मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ शुभमन गिल ने 149 गेंदों का सामना करते हुए 208 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 19 चौके लगाए और 9 छक्के भी जड़े। वो क्या सीन था जब शुभमन गिल कीवी गेंदबाजों पर काल बनकर बरसे। उन्होंने एक एक गेंद की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे शून्य से 200 तक का सफर शुभमन गिल ने तय किया था, कैसे शुभमन गिल ने पिटाई की थी कीवी गेंदबाजों की और भारत का स्कोर 350 के पास पहुंचा दिया था। भारत ने इस मुकाबले को 12 रनों से ही जीता क्योंकि ब्रेसवेल ने शानदार शतकीय पारी खेलकर न्यूजीलैंड का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल भी जीत लिया था। लेकिन रिकॉर्ड्स तोड़े थे शुभमन गिल ने, 208 रनों की पारी खेली और उसके बाद दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। 23 साल के शुभमन गिल हैं। ईशान किशन इससे पहले दिसंबर में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। 24 साल के ईशान किशन है और ईशान किशन का रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। शुभमन गिल ने अपनी इस पारी के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि मैं पहले से नहीं सोच रहा था कि यह दोहरा शतक लगाया जा सकता है, मैं अपना नेचुरल गेम खेल रहा था, लेकिन जब मेरा आंकड़ा 100 के पार पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं अब 200 के पार भी पहुंच सकता हूं, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट्स गिर रहे थे जिसकी वजह से मैं खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब 47वां ओवर आया और उसमें 2 छक्के जैसे ही मैंने जड़े तब मुझे आत्मविश्वास आया कि मैं 200 रन के पार स्कोर को पहुंचा सकता हूं, अपना दोहरा शतक बना सकता हूं, जिसके बाद मैंने और ज्यादा कोशिश की, छक्के मारने की और ज्यादा कोशिश में छक्के लगे भी और शुभमन गिल ने अंत के ओवर्स में 6 छक्के जड़े जिसके बाद उनका दोहरा शतक पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि गेंदबाज एक भी बार अगर आप पे हावी हो जाता है तो उसके बाद पारी को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा था कि गैप में गेंद को धकेलता रहूं, ज्यादा जोर से गैप्स में मारने की कोशिश करूं और उसके बाद मुझे सिंगल्स डबल्स लेते रहना है। मैं चाहता हूं कि डॉट बॉल्स ना जाएं, उसी चीज का फायदा मुझे मिला और उसके बाद मैंने यह दोहरा शतक जड़ दिया। ईशान किशन पर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ईशान किशन मेरा फेवरेट बैट्समैन है, मेरा जिगरी दोस्त भी है, ईशान किशन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद क्योंकि ईशान किशन का भी दोहरा शतक आया और शुभमन गिल का भी दोहरा शतक आया, इन दोनों दोहरे शतकों की चर्चा अब बाजार में गर्म हो गई है कि किसका दोहरा शतक ज्यादा बेहतर था। हालांकि दोनों के दोहरे शतक को कंपेयर करना किसी भी हद तक सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल और ईशान किशन के शतक, जो दोनों के ही शतक आए हैं, वो काफी ज्यादा खास हैं क्योंकि सबसे कम उम्र में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने दोहरे शतक जड़े हैं। शुभमन गिल को आत्मविश्वास था कि वो दोहरा शतक जड़ सकते हैं, बीच में वो आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन बावजूद उसके हर एक गेंद को किस तरह से खेलना है, किस तरह को गैप्स में धकेलना है, किस तरह से गेंदबाजों पर दबाव बनाना है, शुभमन गिल ने मैच के बाद एक एक बात बताई जिसकी चर्चा अब बाजार में हर जगह की जा रही है। सोशल मीडिया पर शुभमन गिल की चर्चा हर तरफ की जा रही है। शुभमन गिल की इस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? 149 गेंदे, 208 रन, 19 चौके और 9 छक्के। आपको शुभमन गिल की पारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और शुभमन गिल क्या वनडे विश्व कप में भारत के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।